हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 39 करने वाले हैं, जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है क्लास सेवन्थ की। 24 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट कंप्लीट कर सको। ये आपकी हिंदी मीडियम की है। ईश्वर से अनुराग टॉपिक दिया गया है। प्रिय बच्चों, पिछले कार्यपत्र में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित धर्म सिख धर्म के बारे में जानेंगे। बाबा गुरु नानक सिख धर्म के स्थापक और सिद्धों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 1459 में तलवाड़ी, पाकिस्तान के नानकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने एक ईश्वर की स्थापना के महत्व में जोर दिया था। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए कोई मान्य नहीं रखते। उन्होंने देवी नदी पर एक केंद्र करतापुर डेरा बाबा नामक की स्थापना भी की थी। उन्होंने अपने अनुयायी के करतापुर में एक नियमित उपासना प्रसिद्धि अपनाई, जिससे अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म, जाति, लिंग अथवा भेद को नज़रअंदाज करके सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक के उपासना धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्ति की, उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं, जिसे आज गुरुद्वारा के तरह जानते हैं। अपने उपदेश के सारा व्यक्त करने के लिए उन्होंने तीन शब्द का प्रयोग किया, उपासना, दूसरों का भला और आचार विचार की प्रतिरता। आज उनके उपदेशों में नाम जपना, कीर्तन करना वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की कहानी। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद लहणा को अपना अधिकारी चुना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद ने के तीन उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, सत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पूर्व व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। देखिए बच्चों, आप ये खुद भी पढ़ सकते हो। एक नॉर्मल सी नॉलेज दी गई, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आपका नीचे भी दिया गया है, तो आप इसे भी बच्चों खुद ही रीड कर सकते हो, ठीक है। बाबा गुरु नानक के समानता विचारों में सामाजिक राजनीतिक क्या क्या मायने थे उनके, ठीक है। तो सभी बच्चे इसे रीड कर लेंगे। अब मैं आपको मेन इसके क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आपको पूछा है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, ठीक है। फर्स्ट आपसे ये पूछा गया है। देखिए आपको इसमें आंसर दिया गया है, फर्स्ट का आंसर आप यहां से लिखेंगे। देखिए यहां से अपने उपदेश के सारे व्यक्त करने के लिए उन्होंने तीन शब्दों का प्रयोग किया, उपासना, दार दूसरों का भला और श्रान आचारविद की प्रतरता। ये आपका आंसर नंबर एक हो गया, ठीक है। अब सेकंड पे गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया था, देखिए आपको यहां से लिखना है। इसमें इस संग्रह में ये आंसर नंबर आपका टू हो जाएगा बच्चों, जोड़ी गई, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर टू हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े, देखो आप यहाँ से लिखोगे, ये कट कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारिक इष्टक शिल्पजार ज़्यादा थे। इनकी वजह से यह हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे उन्हें अनुयायी ग्रंथ और उपयोगी उपदेशों पेशों में जुड़े हों। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर नंबर थ्री हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ राजनीतिक सत्ता कैसे बना,
ठीक है, आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो सभी स्टूडेंट वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, और आपने पूरे वीक की अगर मेरे चैनल से वर्कशीट की है, वर्कशीट को पूरी देखा है और आपने पूरे वीक में सारे आंसर दिए हैं, तो बच्चों डेफिनेटली आपका नाम सेलेक्ट हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों का नाम अनाउंस हो और आप मुझे एड्रेस दे सको, जिससे कि मैं आप लोगों के घर पर गिफ्ट सेंड कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।